हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मोनू ठाकुर के एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज जो है सुबह सुबह सूचना आ गई है कि स्कूल से जो है गाड़ी नहीं आएगी, तो आज मुझे दीदी को स्कूल छोड़ने खुद जाना पड़ेगा। स्कूल जो है हमारे घर से वही लगभग 6 या 7 किलोमीटर ही दूर होगा, तो हाँ वही लगेंगे 20 या 22 मिनट। तो फटाफट चलते हैं छोड़ के दीदी को और आ जाते हैं, क्योंकि अपना ब्रेकफास्ट जो है वो स्कूल से आके ही करेंगे। सुबह 8 बजे का स्कूल है, तो 8 बजे से पहले ही दीदी को स्कूल छोड़ के आना पड़ेगा। और ब्रश वगैरह करके चलते हैं, दीदी को स्कूल छोड़ के आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी भैंस और ये इसका बच्चा जो हमारी भैंस ने रात में दिया है। तो रात में अंधेरा होने की वजह से इसको देख नहीं पाए थे, अब जो है इसको देख लिया है। अब चलते हैं, दीदी को पहले स्कूल छोड़ के आते हैं और वहाँ से जो है इन दोनों की दवा भी लेके आनी है। तो दोनों देखिए साथ में कितने ज़्यादा खुश हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, दीदी को स्कूल छोड़ के आते हैं। अपनी चाबी ले ली, अब चलते हैं स्कूल। फ्रेंड्स फाइनली स्कूल में जो है वो पहुंच चुके हैं। तो दीदी स्कूल के अंदर जा चुकी है और अब मैं भी जा रहा हूँ घर पे। घर पे नहीं, पहले जाऊँगा मार्केट, कुछ सामान लेना है। तो फटाफट चलते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी भैंस ने जो है वो शाम को बच्चा दिया था, तो उसी के लिए थोड़ी दवा लेनी है और उसी का थोड़ा सामान लेना है। तो फटाफट से मार्केट चलते हैं और सामान लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स ये आ गई हमारी दवा, इसका नाम है योटोरो। ये हमारी भैंस के लिए, इससे जो है उसके पेट में यदि कोई कचरा होगा तो वो निकल जाएगा। अब ले चलते हैं गुड़ लेने। तो फ्रेंड्स हमारी गुड़ भी आ चुकी है, लगाते हैं चाबी और चलते हैं घर पे। फ्रेंड्स टाइम हो गया है 1:30, तो स्कूल से फ़ोन आया है कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। तो अब चलते हैं सीधे स्कूल में, दीदी को लेके आते हैं।
स्कूल की छुट्टी अभी हो चुकी है। से आके शेविंग कर ली है। एक सेकेंड, इस चेहरे में क्या हो गया, एक छोटा सा दाना पड़ गया। चलिए कोई बात नहीं, गर्मी में थोड़ा बहुत चलता है। तो टाइम हो चुका है शाम के 4:30, तो अभी बादल हो चुका है, तो चलते हैं फटाफट अपना चारा काटते हैं, क्योंकि मौसम एकदम बढ़िया ठंडा हो चुका है और बढ़िया हवा चल रही है। तो खेत में चलते हैं और अपना चारा काट ले आते हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल हमारा खाना आ चुका है, तो फटाफट से इसको खाते हैं और फिर चलते हैं अपना चारा काटने। तो फ्रेंड्स, फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपने चारा वाले खेत में, तो फटाफट से काटते हैं अपना चारा। तो फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है रात के 10:22, तो फिलहाल जो है अब मैं अपना काम करके एकदम फुर्सत होके, तो हमारा डिनर भी हो चुका है, सभी लोग में सो चुके हैं, ताकि पूरे दिन में जो है भाग दौड़ भरा ही निकल गया, पता ही नहीं चला कब रात हो गई। तो हाँ, मैंने आप लोगों को अपनी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट दिखाने की कोशिश की, तो फिर ब्लॉग करता हूँ एंड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं जल्दी ऐसे एक और नए ब्लॉग में। गुड नाइट, टेक केयर।